लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है एलके ओ मस्ती। दोस्तों अभी हम लोग हैं प्रयागराज में ही, और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? हम लोग जा रहे हैं खुशरूबाग। खुशरूबाग, और यहाँ की हमारे साथ हैं मिस्टर अमन साहब, जो इलाहाबाद के काफी बेहतरीन वकील हैं। तो अभी हम लोग खुशरूबाग चल रहे हैं। वैसे खुशरूबाग चल रहे हैं तो खुशरूबाग के बारे में कुछ बताते हैं। अमीर खुसरू जो थे, अच्छा, उन्होंने बनवाया था। अच्छा जी, अमीर खुसरू जो थे उन्होंने बनवाया था खुशरूबाग, वही उनका ये उनका किला था। अच्छा, अमीर खुसरू का। तो पहले से तो काफी अच्छा हो गया इलाहाबाद। हाँ, इसमें जो है योगी सरकार ने काफी जो है पैसा लगाया है। काफी पैसा लगाया है, मतलब योगी सरकार ने काफी पैसा लगाया। तो अभी हम लोग आ चुके हैं खुशरूबाग, आप देख सकते हैं, और अमन साहब गाड़ी से उतर रहे हैं। आइए भाई जल्दी जल्दी, गाड़ी लॉक ही नहीं हो पा रही है। गाड़ी लॉक हो गई है। हाँ, सही से देख लो। सब हो गया अभी खुली हुई है। अभी हम लोग ये खुशरूबाग के गेट के पास आ चुके हैं। ये गेट है, ये देखिए आप, और यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। सुबह ही सुबह का वक्त हो रहा है, 6 बज रहा है। और 6 बजे यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, काफ़ी लोग मतलब जो है आए हुए हैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। और अभी हम लोग गेट से अंदर एंट्री मार रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग अंदर। ये कुछ अंदर की लोकेशन है। तो आप देखिए यहाँ पर काफी अच्छी लोकेशन है और लोग काफी तादाद में यहाँ पर हैं सुबह। हम उसी से आगे बढ़ रहे हैं, इधर होता पीछे भी एंट्रेंस जो है काफी अच्छा था, वहाँ पे पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। ये काफी अच्छी लोकेशन है सामने की, देख सकते हैं आप। ये इस तरफ की लोकेशन आप देखिए, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन आ रही है। अरे वाह, अच्छा यहाँ पे बैट बॉल खेल रहे हैं सब लोग, देखो भाई इधर। अरे वाह, कम से कम हम लोग का यूट्यूब ब्लॉग है, उसके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। नाम क्या है? एलकेओ मस्ती। हो, ये देखो यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त लोकेशन है, मतलब मज़ा आ जाएगा वाकई में। अभी सुबह सुबह का वक्त है, बहुत ज़बरदस्त आ रहा है यहाँ पे। और अभी हम लोग अंदर चल रहे हैं, कुछ अमन दिखाने वाला है वहाँ पे, मतलब साइड में ये बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं ये पेड़ लगे हुए हैं जो यहाँ पे। और ये देखिए इधर काफी लोग इधर भी हैं। मैं नहीं तो अभी अमन जो है गूगल में पढ़ पढ़ के बता रहा है यहाँ के बारे में आप लोग को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ऐवें ही कह रहे हो। तो मैं व्हाट्सअप यूज कर रहा था तो भाई साहब हमारे बोल रहे हैं गूगल पढ़ रहे हो तुम। बताइए मैं क्यों गूगल पढ़ूंगा, मैं तो यहीं रहता हूँ। यही रहते हैं ये हम लोग आ चुके हैं खुशरूबाग में। हाँ, तो अमन साहब आप बताइए कि हाँ कौन सी लोकेशन आप दिखाना चाह रहे हैं। ये लोकेशन है, ये बहुत प्राइम लोकेशन है। अच्छा, खुशरूबाग की यहाँ से घुमाए कैमरा, इधर कैमरा घुमाया जाए, ये देखो इधर दिखाएगा। पहले तो ये पीछे का दिखाते हैं जिधर से हम लोग आए। ये देखो पहले कितना जबरदस्त पीछे, ये देखिए पेड़ वगैरह, मस्त व्यू है एकदम।
फोटो वोटो के लिए तो जब भी आप इधर इलाहाबाद आए ना, सॉरी मतलब प्रयागराज, अभी नया प्रयागराज, यहाँ से दिखाइए, सामने दिखाइए, सामने सामने का जो लोकेशन है वो दिखाता हूँ आपको भाई, एकदम हिला देने वाला है, बहुत ज़बरदस्त। ये प्राइम लोकेशन है यहाँ की, ये मकबरा है, ये मकबरा है, इसमें जो है तो कम से कम एक आध फोटो तो हो ही जाए यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सामने का नज़ारा तो काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, पीछे का भी बहुत अच्छा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। हाँ पीछे का भी जबरदस्त है, देखिए साइड आप लोग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिधर से हम लोग आए बहुत जबरदस्त है, बहुत प्राइम लोकेशन है, मस्त है एकदम। फोन ओन आ गया तुम्हारा, अच्छी लोकेशन है और काफी लोग हैं यहाँ पे। जो आप देख रहे हैं बिल्कुल, यहाँ पर मतलब कई सारे यहाँ पे जब राजा मतलब रहते थे यहाँ पे, अमीर खुसरू जो थे जिन्होंने उर्दू स्टार्टिंग की अलाहाबाद प्रयागराज से, तो यहाँ से कुछ सारी गुफाएं निकली थी, मतलब केव्स थे। अच्छा। जो डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत में जा करके मिला करते थे यहाँ से, यहाँ यहीं से, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे करके अच्छा वो चीज़ें पट गई, वो हो गई, ख़त्म हो गई, वो रह नहीं गया। आज के टाइम में काफ़ी लोग हैं, सुबह सुबह 6 बजे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बच्चे देखिए कैसे खेल रहे हैं, बैट बॉल दिखाता हूँ, अमन का तो फोन ही बंद नहीं हो रहा है जब से यहाँ पे आए हैं, 20-25 फोन आ चुके हैं। नहीं नहीं मतलब काफ़ी मतलब बढ़िया वकील हैं ये, इससे लग रहा है नहीं, मतलब सुबह 6 बजे कम से कम 20-25 फोन, कौन सा काम कर रहे हो भाई। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लोकेशन है यहाँ पे। अभी अंदर अमन साहब कहाँ चल रहे हैं आप? हम लोगों ने जो देखा अभी तक का जो मेन खुशरूबा का हार्ट था, ये पीछे आप जो किला देख रहे हैं ये वो हम लोग देख चुके हैं। अच्छा। अब जो आउटर चीजें एक्सटीरियर चीजें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे आम के बाग हैं और भी कई सारी चीजें हैं। आम के बाग तो दिख रहे हैं बगल बगल में, आम के बाग गेट जो यहाँ पे एक सामने गेट है जो दूसरे ओर निकलता है। अच्छा। स्टेशन साइड से आए थे ये हमारा जो है, ये वाला किधर निकलता है? ये सब्जी मंडी खुल्दाबाद सब्जी मंडी के पास निकलता है, मतलब हम लोग आए थे किधर से, हम लोग स्टेशन साइड से आए थे, और ये अभी इधर निकलेंगे तो और कोई तरफ निकलेंगे। यहाँ पर ऐसा था, ये ही एक ऐसी जगह थी जब ये मकबरा बना था। अच्छा। तो
यहाँ पे लाइटिंग का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था, यहाँ पे बड़े बड़े हीरे लगे हुए थे। अच्छा। हीरे थे और मतलब उन लोगों उस चीज़ों को मिला करके जब एक मशाल जला करती थी तो जैसे यहाँ पे आप पोल देख रहे हैं लाइट्स वगैरह के, उस पोल से भी पूरी लाइट हो जाया करती थी यहाँ पे। यहाँ से ये गेट दिखाई फिर हम लोग को चलना है। मतलब ये काफ़ी पहले की बात बता रहे हैं। जी जी। तो एक रास्ता ये है जो बाहर की तरफ निकला है और अभी हम लोग को चलना है इस तरफ। ये आप लोकेशन इधर की भी देखिए, यहाँ पर ये बाग है, ये देखिए पेड़ वगैरह काफी अच्छा है। यहाँ पर खेती होती है आम की और अमरूद की। अच्छा, यहाँ पे अमरूद और आम की खेती होती है। तो उसके पेड़ लगे हुए बाग हैं पूरे आम के। तो ये देखिए आप, यहाँ पर आम और अमरूद की खेती होती है, मतलब बाग हैं। ये जो आम के बाग आप पीछे देख रहे हैं ये बहुत ही क्लीन लोकेशन है। अच्छा। उनके लिए जो कपल्स हैं आते हैं कभी। अच्छा, अरे यार दिन में ये तो हर जगह है भाई, वो तो होना ही यार, वो उसमें मुश्किल की बात नहीं है कि नहीं भाई वो। अच्छा, लोकेशन काफ़ी अच्छी है। अभी हम लोग जहाँ पे चल रहे हैं ये अगल बगल बिल्कुल ये अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, आम के पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा है मतलब। और यहाँ पे मतलब सुबह सुबह काफ़ी अच्छा फील भी हो रहा है, बहुत एकदम नेचर है, ग्रीनरी इतनी बढ़िया है और ऑक्सीजन है, प्रकृति के एकदम स्पर्श है यहाँ पे चीज़ें। वही 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 बहुत सारी आप देख सकते हैं। ये आम का पेड़ दिखाइए, ऊपर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आम लगे हुए हैं, मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ये देख सकते हैं, ज़बरदस्त आम के पेड़ और आम भी लगे हुए हैं काफ़ी बड़े, मैं दिखा रहा हूँ अभी तो। देख सकते हैं भाई लोग, बहुत सारे आम इसमें लटक रहे हैं अभी। अच्छा, पहले से यहाँ पे क्या क्या बदलाव हुए हैं? जैसे पहले मतलब बहुत ज़्यादा पहली चीज़ें इतनी साफ सुथरी साफ नहीं थी। अच्छा। और चीज़ें इतनी बनी नहीं थी, नई चीज़ें बन गई यहाँ। तो ये कब से सुधार आ गया इधर? ये सुधार मोदी सरकार में आया। मोदी सरकार में ये सुधार आया है दोस्तों। मोदी सरकार, योगी सरकार ने यहाँ का बजट पास किया, करवाया और बहुत पैसे खर्च हुए, बहुत ज़बरदस्त बना दिया। कुछ सुबह मतलब इतनी क्रीम लोकेशन है कि सुबह मॉर्निंग में अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे घूमें बहुत। अरे बहुत यार, मैं आ नहीं रहा था लेकिन आज ना ज़बरदस्ती मुझे 5 बजे से जगा रहा है एकदम, जल्दी जल्दी उठो, चलना है। हमने कहा चलो चलते हैं। अरे हमारे सब, ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लोकेशन है, ये भी मकबरा है। ये अंदर भी आप देखिए काफ़ी पौधे यहाँ पर हैं जो काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाते हैं, यहाँ से सस्ते में मिल जाते हैं, अच्छे में मिल जाते हैं। तो अभी पूरा घूम चुके हैं और यहाँ से निकलते हैं बाहर है, और यहाँ पर देखिए योगा वगैरह भी हो रहा है, बहुत बेहतरीन लोकेशन है। योगा की क्लासेस चलती हैं, ये योगा की क्लासेस वगैरह चलती हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि पूरा घूम चुके हैं, काफी गर्मी हो रही है लेकिन प्रयागराज में मतलब जो है सोचे सुबह पूरे, अभी सुबह क्या वक्त हो रहा है? टाइम बताओ। ये हो रहा है 6:30, यानी 6:30 हो रहा है और टेम्परेचर का ये हाल है कि बस पसीना जो है ना वो पूरा एकदम निकल रहा है और खाली बस हम लोग थोड़ा सा घूमे और काफी मतलब लग रहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और दिन में तो इतनी गर्मी हो रही है कि बस पूछो मत यहाँ पे। वैसे अमन साहब कितना टेम्परेचर जा रहा होगा अभी? अभी तो ये समझ लीजिए कि 28 के लमसम यहाँ का टेम्परेचर इस टाइम का हो गया होगा। और ये इलाहाबाद जो इस प्रेजेंट में टेम्परेचर की बात हम लोग करें तो टेम्परेचर पूरे ऑल ओवर कंट्री में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इधर का उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इलाहाबाद का गया है, 49 पॉइंट कुछ या 48 पॉइंट कुछ गया है टेम्परेचर। और अभी तक हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे थे, कुछ मेरे दिमाग में एक छोटा सा जोक आ गया, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। सुनाओ। ऐसा है कि यहाँ पे यही गार्डन के ऊपर था, एक बार क्या हुआ
कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, टहल रहा था, तो एक देखा एक प्रेमी जोड़ा यहाँ पे एक पेड़ के नीचे चपक के बैठा हुआ था। आपस में लोग कपल बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तभी एक बुजुर्ग अंकल गुजर रहे थे वहाँ से। उन्होंने देखा और देख कर तुरंत बोले, बेटा क्या यही हमारी संस्कृति है? तो वहाँ लड़का बैठा वो तपाक से बोला कि अंकल ये हमारी, ये आपकी संस्कृति नहीं है, मेरी जागृति है, किसी और पेड़ के नीचे देख लीजिए बैठी होगी। क्या बात है। तो आइए चलते हैं बाहर की तरफ, वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि भूख बहुत जोर से लग रही है। अरे भूख क्या मतलब, नाश्ता करते हैं, चाय वाय पीते हैं यार। तो अभी काफ़ी भूख लग गई थी और नाश्ते का इंतज़ाम हो चुका है। ये अमन भाई ने यहाँ पे नाश्ते का इंतज़ाम करा दिया। अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या हम लोग खाने वाले हैं। अभी ये देखिए, ये इधर अमन साहब